ના ના સર, હું ડેડિકેટેડ છું. આપ મેરે કો જોબ દેકે તો દેખો, મેં આપકો નિરાશ બિલકુલ નહીં કરૂંગી. हाय, आई एम पूजा दवे. पारेख सर है क्या? वो मैं अकाउंटेंट की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए आई हूँ. ओह राइट, एनी रिकमेंडेशन? या मैंने लिंक्डइन पे कंपनी वैकेंसी का पोस्ट देखा था, तो मैंने कंपनी आईडी पे ईमेल भी कर दिया है, उन्होंने देखा होगा. यस यस सर, आ रहे हैं, यू प्लीज वेट नाउ. श्योर, थैंक यू. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. संदीप, किधर है संदीप? सर वो आज आया नहीं है. आवियो नदी, किसने छुट्टी दी उसको? हाँ, अरे इस ऑफिस में किसी को काम करना है कि नहीं? हाँ, क्या ये? हाँ, कितनी मिट्टी, इसी के पैसे देता हूँ क्या मैं? किसी और को ढूंढो. सर जितनी आप सैलरी देते हैं उतने सेल में कोई आने नहीं चाहता. वो सब मैं नहीं जानता, बोला ना दूसरे को ढूंढो तो ढूंढो. ओके सर. सर वो बाहर पूजा दवे आई हैं अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, उन्हें भेज दूं? हाँ भेजो. यू मे गो नाउ. मैं कम इन सर. कम इन. Close the door. Sir, my credentials. Miss Pooja. इसमें लिखा है कि तुम एक बहुत अच्छी टीम प्लेयर हो. अब वो सिर्फ लिखा है या सच में हो भी? मैं हूँ सर. आप मेरे प्रोग्रेस सर्टिफिकेट में देखिए ना, अरे जो ये तो आप मेरे पास्ट कंपनी के किसी भी फेलो एम्प्लॉय को पूछ लीजिए. वो सब ठीक है, देखो लॉयल्टी और ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. हाँ, काम तो सिखाया जा सकता है, एटीट्यूड सही होना चाहिए. हाँ जी सर. सर वैसे जो पहले अकाउंटेंट थे वो हैंडओवर प्रोसेस तो करेंगे ना? ना, निकाल दिया उसको मैंने. क्यों सर? आई मीन मैं भी अलर्ट रहूँ ना कि जो गलतियां पास्ट में हुई है वो मैं ना दोहराऊं. अरे चुटती हो तो साला. आ मेरा मतलब है कि अरे उसने बहुत सारा नुकसान किया मेरा, लॉसेस किए. मिस पूजा, तुम तो ऐसे लॉसेस नहीं करोगी ना? हाँ ना ना सर, हूँ डेडिकेटेड छू. आप मेरे को जॉब देके तो देखो, मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगी. और वैसे भी आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड है, आपके अंडर काम करूंगी तो कुछ सीखूंगी, तो गलतियां करने का तो कोई चांस ही नहीं. सरस, इसे कहते हैं राइट एटीट्यूड. हाँ वो था दूसरा हमारा चंदन, ये ऑफिस में ना उसका पोछा मारने का औकात भी नहीं था. मिस पूजा, यू आर हायर. हाँ कांग्रेस, चलो तुम्हारी ऑफिस बताओ. थैंक यू सर. मिला था क्या वो ऑफिस में? हाँ मिला था, सही कह रहा था तू. एक नंबर नो दोघो मानस छे, पर ठीक है मेरे लिए उसको फंसाना मुश्किल नहीं है. आखिर है तो मर्द ही ना. मेरे बारे में कुछ कहा? कह रहा था कुछ. क्या कहा बोलना. अरे रेवा दे ना, नॉट इम्पोर्टेंट. अरे मैंने सांभड़ू छे के ने क्या कहा उसने. क्या करेगा जान के, पर वैसे भी मेरा मूड नहीं अभी वो सब चीजें दोहराने का. अरे बता मुझे क्या छोड़ना छोड़ना कर रही है, मुझे जानना है क्या बोल रहा था वो. कह रहा था कि तू एक नंबर का चूतिया है, स्टूपिड है, बेवकूफ है, फर्जी डिग्री दिखा दिखा कर काम मांगता रहता है, और तू इतना वाहियात है कि तेरी पोछा लगाने तक की औकात नहीं है. अच्छा और क्या कहा? और ये भी बोल रहा था कि तेरी वजह से उसका कोई तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कि उसने तेरे को इतना मारा कि तेरे कपड़े फट गए, वो भी सबके सामने, तेरी औकात दिखाकर तेरे को ऑफिस से बाहर निकाल दिया. उसने जो किया उसके लिए वो बहुत तड़पने वाला है. देखना उसने मेरे कपड़े पूरे ऑफिस के सामने फाड़े थे ना, मैं उसके कपड़े पूरी दुनिया के सामने फाड़ूंगा.
साला नंगा कर दूंगा उसको मैं, समझे सोचे आप पोता ने सालो चो दिन हो। बाबा जाने दे, मैं हूं ना, लेंगे ना बदला उससे, तू और मैं साथ में मिलके लेंगे बदला, ठीक है? अभी जाने दे, ओके? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और आप बड़े फ्रेश लग रहे हो, कोई मीटिंग है? नहीं ऐसे ही। तो फिर लंच के लिए फ्री हो ना आप? हाँ। बताइए क्या पसंद है आपको? वैसे आई लाइक पिज्जास। पिज्जास, ठीक है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तुम्हें भी पिज्जा अच्छे लगते हैं? हाँ। शुभ अच्छे। चलो बेबागे मारिए। तो सर आप निकल रहे हैं? हाँ तुम भी निकलो, अभी हो गया काम आज का? वो एक्चुअली मेरा ना BHS वाला टेंडर का काम रह गया है, थोड़ा डिफिकल्ट लागे छे। आप अगर रुक जाते थोड़ी देर और मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता सर। हाँ काम के लिए कभी ना होता है। चलो रुक जाता हूँ मैं। हा? ग्रेट, आपके इलाके में कर लेते हैं ना? हाँ ठीक छे। थैंक यू। हाँ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका हाथ देख सकती हूँ? हाँ। अरे वाह, लक लाइन तो काफी स्ट्रांग है आपकी। अच्छा, और माउंट ऑफ वीनस भी काफी अच्छा है। वो लव लाइन है, प्यार की लाइन है। सर तमे पढ़ना, आपकी तो शादी हो गई है ना? अरे शादी तो सिर्फ नाम की और बीवी काम की। जो ने तू है क्या वो लव लाइन है? देख के बताती हूँ। थोड़ी थोड़ी दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ वो बढ़ने के चांसेस हैं। है मुझे तो लग रहा है। भूख लगी आपको? हाँ भूख तो लगी है, मजा आ भी गई है पिज्जा खाने। ये तो कुछ भी नहीं है सर, आप मेरे हाथ का खा के देखिए। तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मौका कब मिलेगा? हाँ सर सवार ना टाइम ना थी मेरे तो, नहीं तो मैं लंच में ही बना के ले आती। आप एक काम कीजिए ना, कभी घर आइए डिनर के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स माइंड नहीं करेंगे मैं घर आऊंगा तो? सर मैं अकेली रहती हूँ। बापरे सर टाइम देखिए, चलिए निकलते हैं। अरे मैं अपने कार में छोड़ दूंगा ना तुमको। हाँ सर लेकिन बहुत लेट हो गया है, और आपकी फैमिली भी वेट करी होगी ना। चलिए, और कल कितना सारा काम है हमें। चलिए। क्या कर रहा है? डिनर करे? बॉस के साथ डिनर करके आई हूँ। रिकॉर्डिंग्स किधर है? नहीं है। केटली वार की दू चेतन है, जब भी बॉस के साथ होती है अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन रखने। किधर है रिकॉर्डिंग? नहीं किया मैंने। आज सो चुतिया पोचाले छे, क्यों नहीं किया? भूल गई क्या प्लान? उससे तुझे उधर बदला लेने भेजा था और तू उसके साथ इश्क लड़ा रही है, डिनर पे डिनर किए जा रही है। अरे एक महीना हो गया, सो करे छे तू? ए तेरे को कहीं उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? कि अमीर आदमी है, इससे चक्कर चलाऊंगी, इसके पैसे उड़ाकर उससे मौज करूंगी। भूल मत,
मारनी है उसकी, औकात दिखानी है उसको। तेरे रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना सब खराब हो जाएगा। तने खबर न थी कितना शाना आदमी है वो। हाँ, उसको पता चल गया ना कि मैं फोन में उसकी रिकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, तो पूरे एक महीने की जो मेहनत है ना अपनी पानी में चली जाएगी। और तू तो करने देना मेरे को काम यार, क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है यार। चंदू तू बैठ, इन सब चीजों में ना टाइम लगता है, और मैं हूं ना, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, है ना? तो बस फिर ठीक है। नोक नोक, हाँ शू थे यू, हाँ सुबह से दिखी नहीं है, आवाज पर नहीं सांभड़ी, मूड तो ठीक है ना? आज मेरा बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे, ये तो खुशी की बात है, तुम इतनी सेड क्यों? सर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। क्यों? लॉन्ग स्टोरी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीधा बर्थडे कैंसिल? हाँ छोड़िए ना सर। अरे बोलो क्या हुआ? मेरा एक जुड़वा भाई था, हम दोनों ना अपना केक साथ में कट करते थे, और सबसे पहले ना एक दूसरे को केक खिलाते थे। पर 4 साल पहले ना एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, तब से मैंने केक नहीं काटा सर। पूजा बहुत सेड बात है, लेकिन ये जो 4 साल पहले हुआ उसके लिए तुम अभी तक अपने आप को सजा दे रही हो ना? तुमको ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ चलो तुम अपने फ्रेंड्स को कॉल करो और जाओ पार्टी करो उनके साथ, जाओ। सर मेरे कोई फ्रेंड्स है ही नहीं। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं बाहर चलते, ये तो चलेगा ना? हाँ सर, तुम्हारे साथ आपकी पूरी फैमिली रुकी होगी। अरे वो सब मैनेज हो जाएगा। हाँ तुम बोलो कहाँ जाना है। सर मेरा बाहर जाने का तो बिल्कुल मूड नहीं है, घर चले। हाँ घर चलते तुम्हारे, तुमको घर जाने का मन है तो मैं अभी गाड़ी की चाबी ले आता हूँ। आओ ना अपने बर्थडे का केक काटो। हैप्पी बर्थडे, ए कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। गिर गया। मैं करती थी। तुम बहुत हॉट लग रही हो। सर ये परफ्यूम देखिए ना, आपने ही गिफ्ट किया। किसका फोन आ गया? हाँ हेलो, मीटिंग में हूँ क्लाइंट के साथ। हाँ डिनर करीने आवीश। हाँ हाँ जय श्री कृष्ण। सो आप ना आज मेरे लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। तुम ही स्विच ऑफ कर दो, पानी में डाल दो। डन। एक मिनट। तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं। थैंक यू सर। सर आपकी वो देसाई सर के साथ मीटिंग कैसी थी? देसाई? हाँ ये किस गधेड़े का नाम ले लिया तूने? हाँ पूजा, यहाँ पे ऑफिस की कोई बात नहीं, मैंने फोन बंद कर दिया ना। हाँ सर
मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। आप बताइए ना क्या खाएंगे आप? हाँ, क्या ऑर्डर करूँ? पूजा पूजा, मैं यहाँ पे सिर्फ खाना खाने थोड़ी आया हूँ। हाँ, आ जाओ। सर आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं पूजा। सर क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे कोई बात, अरे आपको समझ नहीं आ रहा मैं कब से मना कर रही हूँ? आपकी तो शादी हो गई है ना, तो आप मुझे क्यों ऐसे हाथ लगा रहे हैं? अरे तुम ही ने तो घर पे बुलाया था। मैं घर पे बुलाया था, बिस्तर में नहीं बुलाया था आपको। आप निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और एफआईआर कर दूंगी। सर मुझे डर लग रहा है सर, आप प्लीज चले जाइए, मेरी बात बताइए। पूजा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं आप जाइए यहाँ से। अरे कभी कभी नहीं बोला ना मैंने। हेलो सर, ये देखिए, ये है असलियत जयेश भाई पारेख की, उर्फ जयेश भाई जोरदार। हाय बोलिए सर, आप लाइव हैं, पूरा ऑफिस देख रहा है। अरे ये क्या, आपका फैमिली भी लाइव में जुड़ी हुई है। हाय बोलिए सर। अरे हाय बोलिए सर, ऐसे कैसे मुंह छुपा रहे आप? ऐसे लोग ही समाज पे कलंक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन फेसबुक लाइव। हो गया तुम्हारा बदला पूरा? यस। खुश? बहुत खुश। शू पारेख साहब, पार्टी गई? हाल तो था साल। जयेश पारेख के साथ जो हुआ उसे दो शब्दों में कहा जाए तो वो शब्द होंगे हनी ट्रैप। हनी ट्रैपिंग एक ऐसा हथियार है जिसके वार से बचना अच्छे अच्छों के लिए मुश्किल हो जाता है। जब कोई खूबसूरत आकर्षक जवान लड़की आप में रुचि लेने लगती है, तब उस माया जाल में फंसकर अपने होश गवा देना स्वाभाविक है। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कैमर्स। आमतौर पर ये स्कैम मिडिल एजेड, कामयाब और शादीशुदा मर्दों के साथ होता है, जिनके पास समाज में खोने के लिए इज्जत, पैसा और आत्मसम्मान है। इसीलिए अनजान लोगों से ऑफलाइन या ऑनलाइन दोस्ती ना बढ़ाएं। अगर कोई जरूरत से ज्यादा आपको रिझाने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। जरूरी है हम कोई भी कदम उठाने से पहले अपने सामाजिक अस्तित्व की सुरक्षा करें, और जरूरत है टू बी सेफ।